हेलो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट फ्रेंड्स इस वीडियो में बात करेंगे किस तरह से जो प्रोजेक्ट्स हैं जो ये बेयर मार्केट है uh, 2018 का वो कैसे फोर्स कर रहा है जो रिसेंटली आई सी आए थे जो uh, नए स्टार्टअप्स थे उनको फोर्स कर रहा है कि इफ़ दे डू नॉट हैव वर्किंग प्रोडक्ट अगर वो अपने प्रोमिस को पूरा नहीं कर, कर सकते इन दैट केस दे हैव टू डाई यानी कि वो प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं डेंजर जोन में है और बहुत सारे एग्जिट स्कैम्स देखने को मिल रहे हैं अभी जो एक नया नाम जुड़ा है वो है हेवन प्रोटोकॉल हेवन प्रोटोकॉल का भी एक रिसेंट न्यूज आई है एक ट्वीट आया है उनके उनके ही एम्प्लॉय का जो जिन्होंने लिखा है आई विल बी ऑनेस्ट हियर consider this project dead unless some developer take it over at uh, heaven dev is apparent, uh, apparently the only person with access to the code repository and asked weeks ago to open it up uh, so others could help out and review the code ever since then we haven't heard from him and he was also asked to make the uh, development uh, डेवलपमेंट फ्री ट्रांसपेरेंट यानी कि कहीं ना कहीं ये भी प्रोजेक्ट जो है डूबने के कगार पे है और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं दे आर रनिंग आउट ऑफ मनी तो अभी काफी अलर्ट रहने की जरूरत है अगर आप किसी छोटे प्रोजेक्ट्स या नए प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाते हो क्योंकि नो बडी नोज की कितना लंबा ये बेयर मार्केट जा सकता है और क्योंकि अगर कोई भी एक प्रोजेक्ट है कंपनी है उनके सर्टेन एक्सपेंसेस हैं दे हैव टू पे डेवलपर्स रूम रेंट और भी अदर एक्सपेंसेस हैं टू कंटिन्यू विद डेवलपमेंट तो ये सारी चीजें जो है उस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है अगर मैं बात करूं डेड कॉइंस की यहाँ पे लिस्ट ऑफ डेड कॉइंस है एक वेबसाइट है आ, इसको मैं लिंक में ऐड करूंगा ऑलरेडी 522 जो प्रोजेक्ट्स हैं डेड डिक्लेयर किए जा चुके हैं यहाँ पे आप देखोगे आ, ये एक सेंट्रा प्रोजेक्ट है काफी हाइप था जब इसका ICO आया था ये एक कार्ड uh, टाइप uh, का प्रोजेक्ट था जहां पे यू विल गेट अ कार्ड और बहुत बड़े सेलिब्रिटी ने इसको uh, किया था प्रमोट किया था तो इस तरह से uh, आप देख सकते हो कि ये सारे प्रोजेक्ट्स कैसे डाई आउट हो रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे एनालिस्ट का कहना है कि क्रिप्टो आईसीओ इन क्राइसिस एंड रनिंग आउट ऑफ मनी विद नो प्रोडक्ट्स यानी कि बहुत सारे ऐसे आईसीओज है जिनके पास प्रोडक्ट नहीं है और पैसा नहीं है और इन एंड आई थिंक दे हैव टू एग्जिट तो आ, यहाँ पे लिखा है इन पब्लिक मार्केट टू क्रिएट डी एप्लीकेशन सिस्टम्स बहुत सारे जो आईसीओज हैं जिनके पास आ,

ब्लॉकचेन इंडस्ट्री uh, है जहां पे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं तो बहुत ज्यादा यूजर बेस अभी भी नहीं है जिसका मतलब यह है कि वाइडली uh, एडॉप्टेड नहीं है अभी भी यूजर एडॉप्शन की जरूरत है मेनी ऑफ द हंड्रेड क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स इन दिन दोप कम्युनिटीज एंड स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी लाइक ऑगर जीरो आईकॉन वन चेन एंड पोलीमैथ है टू बी डिफिकल्ट टू सिक्योर एन एक्टिव यूजर बेस एंडेन ऑफ यूजर एक्टिविटी ऑन डीट्राइज सिस्टम कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा कम हो रहा है आ, क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट्स में इस, इसलिए अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए भी बहुत ही डिफिकल्ट होगा और कहीं कही ना कहीं एक बहुत बड़ा आ, टेस्ट होगा कि कैसे वो सर्वाइव करेंगे तो आ, ये जो आ, आ, आर्टिकल है इसमें जो एनालिस्ट का कहना है I'll be comfortable saying that the pricing pressure on digital asset in 2018 is likely to lead to 20 to 50% shutdowns and layoffs for current projects, based on historical comparison. यानी कि अगर historical data देखोगे, उस basis पे हो सकता है जितने भी नए projects आए थे, उसमें से 50% project die हो जाएंगे और कहीं न कहीं वो market से out हो जाएंगे। तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। Volume जो criteria होना चाहिए, according to me कहीं कही ना कहीं एक हेल्थी वॉल्यूम होना चाहिए लिक्विडिटी होनी चाहिए यानी कि अच्छे एक्सचेंजेस पे वो कॉइन अवेलेबल हो जहाँ पे आप ट्रेड कर सके या लिक्विडेट कर सके कम्युनिटी बैकिंग बहुत जरूरी है यानी कि नेटवर्क इफेक्ट कम्युनिटी लार्ज होनी चाहिए अच्छी फॉलोइंग होनी चाहिए ट्विटर के ऊपर या रेडिट uh, के ऊपर बिटकॉइन टॉक फोरम के ऊपर डेवलपर्स बहुत ज्यादा होने चाहिए लार्ज सम ऑफ डेवलपर जैसे कि मैं कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करूँ थेरियम के पास सबसे ज्यादा डेवलपर्स है फिर ईओ है फिर कार्डेनो है तो डिवेलपर्स और इनफैक्ट कार्डेनो इज द मोस्ट डिवेलप्ड प्रोजेक्ट इन 2018 यानी कि बहुत ज्यादा गिटअप की एक्टिविटीज भी देखना बहुत जरूरी है कि किस तरह का डेवलपमेंट है ओपन है या नहीं ट्रांसपेरेंट है या नहीं अपने कोर्स वो शो कर रहे हैं नहीं ये भी देखना बहुत जरूरी है यूज केस बहुत जरूरी है वर्किंग प्रोडक्ट बहुत जरूरी है तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए आ, इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि अभी जो मार्केट है बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है और हो सकता है ये मार्केट जो है वो साइडवेज मूवमेंट ले मे बी फॉर मंथ्स और और ईयर मोर हो सकता है बिल्कुल इसी रेंज में या आ, बिल्कुल कोई भी ज्यादा वॉलिटिलिटी ना हो एक स्टक कर जाए एक रेंज में जाके और मार्केट साइडवेज मूव करे तो उस केस में क्या होगा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो फंडिंग क्रंच से जूझेंगे और कहीं ना कहीं शट डाउन करना पड़ेगा उनके पास अडोप्शन नहीं है यूज केस नहीं है तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज uh, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डे